वैक्सीन किस लिए? कुछ नहीं होता ये कोरोना वरोना। ये वैक्सीन ना ये एक यहूदी साजिश है। सुना है इस वैक्सीन से बच्चे मजबूर पैदा होंगे। वैक्सीन से क्या होना है, घंटा असर नहीं होगा। मेरे तो किसी जानने वाले को कोरोना नहीं हुआ, आपके किसी जानने वाले को हुआ? भाई ये वैक्सीन जो है ना इसके अंदर एक चिप है। बच्चा तो छोड़े, बच्चा पैदा करने के काबिल भी नहीं रहेगा कोई आदमी। एफेक्टिवनेस सिर्फ 95%। मौसमी सर्दी की खांसी के लिए कोई अस्पताल जाए उसे भी कोरोना का मरीज बना लेते हैं ये लोग। भाई ये चिप जो है ना ये नासा वालों ने बनाई है। ओ यार मर्दाना कमजोरी हो जाती है इससे। 100% पागल बना रही है हम सबको मिलके। पहले तो कभी नहीं सुना किसी को कोरोना हुआ हो। इस वैक्सीन में ना एक ट्रैकर है और इसके बाद बताया टीम शिकीम के काबिल भी नहीं रहता। फेस ट्रायल से कौन सी इफेक्टिवनेस प्रूव होती है भाई? इतनी लंबी उम्र हुआ करती थी हमारे बुजुर्गों की। जिसके अंदर ही चिप होगी ना नासा वाले उसे हर वक्त ट्राई करेंगे और फिर मर्द औरतें बन जाएंगी और औरतें मर्द बन जाएंगी। हमें क्या पता कौन से हराम जानवरों पर ट्रायल करके हम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक मास्क नहीं पहना, कोई कोरोना वरोना नहीं हुआ। बेडरूम में भी बाथरूम में भी हर जगह ट्रायल करेंगे और फिर इंसान में से हर तरह की फीलिंग खत्म हो जाएंगी और इंसान एक रिपोर्ट बन जाएगी। और कोई एविडेंस नहीं है इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट का। किसी ने आज तक देखा है कोरोना को? जाते में भी सोते में भी हर वक्त ट्राई करेंगे और फिर इंसान के अंदर के सब ऑर्गन्स गल सड़ जाएंगे। इससे तो बेहतर है बंदा होम्योपैथिक की दवाई इस्तेमाल कर ले। नजर ही नहीं आता। दुनिया के हर इंसान को कंट्रोल करने के लिए ना ये एक दज्जाली साजिश है। और सुना है वैक्सीन लगाने से इंसान कैनिबल बन सकता है। शिफा तो दम वाले पानी में होती है। जो चीज नजर ही नहीं आती भला वो हमारे बीच कैसे हो सकती है? एक तो ये वाईफाई के सिग्नल। जिसके अंदर ये चिप होगी ना ये यहूदी और नासा के एलियंस उस बंदे की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा के ना उसके माइंड को हैक कर लेंगे। जी सर, सर आप मेरे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजिए तो आप पहुंच जाए ना। ओके जी। पता नहीं और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होंगे इस वैक्सीन से और वो पब्लिक से छुपाए होंगे। ये वैक्सीन जो है ना ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने के काम आती है, मेडिकली इसका कोई फायदा नहीं। दुर्दाना अम्मी को इंसुलिन देने का टाइम आ गया है।